हेलो फ्रेंड, आज का मार्केट आप लोग ने देखा है। और सबसे पहले बोलता हूँ कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आज का मार्केट का आज अपन देखते हैं, सेंसेक्स है वो 358 पॉइंट, मतलब 0.51% तेजी है, जो कि स्टार्टिंग में अपन जब ही निफ्टी स्टार्ट हुआ था तो तभी गैप डाउन ओपन हुआ था, आप देख रहे हैं चार्ट पैटर्न। तो एट द एंड मार्केट ऊपर ही गया, तो आप लोग को पता है कि मार्केट किस वजह से मार्केट कल गिरा था, जो कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने अचानक से बैठक बुलाई थी कि कोविड पॉजिटिव मिल रहा है। तो केरला एंड कर्नाटका में जो कि पॉजिटिव मिला है केस, तो आप लोग को न्यूज बेसिस मिल गया रहेगा। तो आप मार्केट देख रहे अभी आज तो निफ्टी बैंक जो कि सबसे बेस्ट टॉप रहा है, एंड HDFC बैंक अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया है, एंड अपना निफ्टी भी आपने देख लिया, BSE भी देख लिया आपने, अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया है। तो जो कल मार्केट गिरा था वो आज मार्केट रिकवर हो गया है। एंड आगे देखते हैं अपना डाउ जोन्स आज के दिन देखिए अच्छा खासा मार्केट रिकवर कर लिया, वो भी कल के दिन गिरा था जो कि आज भी अच्छा खासा रिकवर कर लिया है। अपना मार्केट जैसा गिरा तो डाउ जोन्स इंडस्ट्री भी आज अप गया। इसके लिए आपको डाउ जोन्स ट्रैक करना चाहिए। और आज के दिन का डिक्सन टेक्नोलॉजी जो कि अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, क्योंकि इन लोग को लिनोवा के तरफ से अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। तो दोस्त, अच्छा खासा जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी रहता है, आप उसमें पैसा डालेंगे तो आपका डूबेगा नहीं। तो डिक्सन टेक्नोलॉजी अच्छा है, अगर जितना गिरे आप बाय एंड डिप्स कर सकते हैं। एंड दूसरा है येस बैंक, येस बैंक भी अच्छा खासा कल गिरा था कि 22 रुपये तो क्रॉस गया ही, कल तो 20 रुपये के नीचे भी, आज भी 3% से देखा जाए आप ही गया है। अभी तो बहुत सारे रिजल्ट पेश करने, एवरी क्वार्टर के रिजल्ट जो अच्छे खासे, अगर परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो इनका भी एट द एंड ऊपर ही जाएगा चार्ट पैटर्न। एंड तीसरा अपना KPI टेक्नोलॉजी, KPI टेक्नोलॉजी आपको पता है ये भी IT कंपनी है, तो अच्छा खासा है भी परफॉर्मेंस, जो कि कल के दिन गिरा था आज अच्छा खासा रही। तो फंडामेंटल, मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको रिकवर होने के लिए टाइम नहीं लगेगा। अगर आप वही पेनी स्टॉक में जाते हो तो रिकवर होने के लिए टाइम लगेगा, तो रिकवर भी नहीं हो सकता है। इसका जो न्यू खबर है टाटा मोटर्स एंड टाटा पावर के बारे में, बहुत अच्छी खबर निकल के आई है। मोटर्स का कल भी आपने देखा था, कल आज सुबह जब भी मैंने चेक किया मॉर्निंग में तो अच्छा खासा गिरावट हुआ था, 690 तक गया था, क्योंकि फिर अच्छा खासा परफॉर्मेंस होने के बाद चैट पैटर्न ऊपर ही गया है। तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हो, आप इसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मेरा तो ऐसा बोलना नहीं है, मैं आपको एक नॉलेज पर्सन बता रहा हूँ, तो आप इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। एंड टाटा मोटर जो भी EV व्हीकल है तो उससे तो रिलेटेड है ही है, बट उनका जो न्यू अपना गाड़ी है टाटा सफारी और टाटा हैरियर, दोनों SUV गाड़ी है, तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से 5-स्टार रेटिंग मिल गया है। तो नितिन गडकरी ने भी उनको अच्छा खासा कॉन्ग्रेट किया है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन आप देख सकते हैं। नितिन गडकरी ने टाटा मोटर का हिस्टोरिकल अचीवमेंट बताया है, तो इनको ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत ही नहीं। टाटा उन हैरियर एंड टाटा सफारी अच्छा खासा उनका गाड़ी परफॉर्मेंस दे रहा है। ईवर भारत एंड स्टार्ट रेटिंग सर्टिफिकेट टू न्यू सफारी एंड हैरियर इज मूवमेंट स्टार्ट इन्हेंस कस्टमर सेफ्टी, तो कस्टमर सेफ्टी की वजह से इनको अच्छा खासा रेटिंग 5-स्टार रेटिंग मिला है। एंड टाटा पावर के बारे में आप लोग बताए, टाटा पावर उनको अच्छे खासे इनको ऑर्डर मिलते जा रहे हैं, जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर हैं, प्राइवेट सेक्टर, सोलर पावर से रिलेटेड इनको ऑर्डर मिलते जा रहे हैं, तो इनका भी फंडामेंटल स्ट्रांग होते जा रहे हैं। एंड इसके बाद आता है वोडाफोन, एयरटेल एंड जियो, जो कि वोडाफोन आगे चलते हुए अपने कस्टमर लॉस होते जा रहे हैं, इनके जो भी न्यू कस्टमर अगर ऐड हो रहे हैं एयरटेल या तो जियो। जियो एयरटेल ऐड ऑलमोस्ट 48 लाख यूजर इन सेप्टेम्बर महीने में, और 75 लाख यूजर्स लॉस हो चुके हैं वोडाफोन के, 48 लाख ऑलमोस्ट जियो एंड एयरटेल में ऐड हो चुके हैं। एंड लास्ट है जो अपना नज़ारा टेक्नोलॉजी, ये भी अच्छा खासा टेक्नो शेयर से फंडामेंट स्ट्रॉन्ग कंपनी है, और इनके भी गेमिंग सेक्टर इनका बिजनेस है, जो कि अभी फिलहाल में 5 गेमिंग ये लोग लॉन्च किए हैं, तो इनको भी आप ट्राई कर सकते हैं और अच्छा खासा रिस्पॉन्स देगा आपको फ्यूचर में। तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए तो मैं नहीं, वो लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और थैंक यू दोस्तों आप वीडियो देखने के लिए, और आगे करी जाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और आगे अपडेट आपको